हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्रयाग विधि महाविद्यालय BLLB सेकेंड सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज इंग्लिश. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक प्रोसेस राइटिंग एज वी आर गोइंग थ्रू इन द लास्ट वीडियो. लास्ट टाइम मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं बताया था. पिछली बार बस इतना बताया था कि प्रोसेस राइटिंग हम लिखते कैसे हैं और कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी पैराग्राफ को हमें उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस राइटिंग करनी है. देखिए, एक पैराग्राफ मैंने लिया है और इसको जब व्हाइल आई एम रीडिंग यू शुड आल्सो गो थ्रू द सेम टॉपिक. जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी पढ़ते जाइए, आपको समझ में आएगा कि कैसे. या आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और इसको समझ लीजिए कि ये कैसे लिखा गया है और इसका क्या मीनिंग है. इसके कुछ हार्ड वर्ड्स जो होंगे मैं आपको बाद में इसमें समझाऊंगी, आप उसको उसके हार्ड वर्ड्स को भी आप कर लीजिएगा, फाइंड आउट करिएगा और उसका मीनिंग समझिएगा. क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तब समझ में नहीं आती हैं जब वर्ड्स हार्ड हों और उसका मीनिंग हमें नहीं मालूम हो. तो इससे अच्छा है कि हम उसे डिक्शनरी में हम उसका मतलब समझें, कितने तरह से वो लिखा जा सकता है और कहाँ कहाँ उसे इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके, टीचिंग इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन. अ टीचर हैज अ सेक्रेट ड्यूटी टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेपिंग द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन रेस्ट ऑन हिम. ओके, टीचर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और टीचर की एक ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो एक स्टूडेंट जो उसके ऊपर निर्भर है उनका कैरेक्टर को वो निखार सके या बना सके. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट ही कैन इनकल्केट इन देम क्वालिटीज of being a good human, remaining neat and clean, talking decently and sitting properly. These virtues are difficult to be imbibed. Only he who himself leads a life of purity, simplicity and rigid discipline can successfully cultivate. Okay. ये डेवलपिंग के साथ साथ क्या क्या है उसके अंदर, टीचर के अंदर एक स्टूडेंट के अंदर कैसे वो डेवलप करता है क्वालिटीज़ को, उसके साथ साथ और क्या क्या करता है वो एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ उनमें साफ सफाई, कैसे अच्छी तरह से बात करना, कैसे व्यवस्थित रूप में बैठ काम करना, अच्छे से बैठना, ये सारी चीज़ें कौन समझा सकता है? वही समझा सकता है या बता सकता है जिसकी जिसके अंदर खुद ये सारी चीज़ें है ना. सो वही वो खुद ही वो खुद इस तरह की लाइफ को दिखा करके उनको लीड कर सकता है या उनका उनको उनको अपना जीवन दिखा करके उनको इस तरह की जीवन जीने की आदत के बारे में बता सकता है कि हाँ भाई मैं भी ऐसे हूँ, इस तरह से मेरे अंदर डिसिप्लिन है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसा मैं सक्सेसफुल हूँ वैसे आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. और कल्टीवेट दीज हैबिट्स इन द स्टूडेंट, और वही इस तरह की हैबिट को इस तरह की आदतों को अपने बच्चों में भी डाल सकता है. बिसाइड अ टीचर सक्सेस ऑलवेज बिसाइड अ टीचर ऑलवेज रिमेन यंग ही मे grow old in age but no in spite perpetual contact with budding youths keep him jolly and happy. These are moments. हाँ, हो सकता है कि टीचर बुढ़ा हो जाए, इंसान है वो तो बुढ़ा होएगा ही, जैसे वो बच्चे की तरह पैदा हुआ था, बड़ा हुआ, फिर उसके बाद वो और ग्रो ओल्ड होगा, तभी उसको एक्सपीरियंस भी है ना. लेकिन क्या है वो छोटे बच्चों के साथ रह करके क्या है वो उनके साथ वैसा हो जाता है और हमेशा उन बच्चों को वो नया दिखते हैं, है ना. क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नए बच्चे आते हैं तो वो बच्चे उनको नए दिखते हैं. वो कभी अपने काम में बुढ़ा नहीं होता, वो हमेशा नया नया कुछ ना कुछ करता रहता है. दीज आर मोमेंट वेन वरीज वेट हैवीली ऑन हिज माइंड बट द डिलाइटफुल कंपनी ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स
कभी क्योंकि इंसान है तो हमेशा उसकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ घटता रहेगा या परेशानी आएगी ही, लेकिन जब वो अपने स्टूडेंट्स को जो इनोसेंट हैं, इनोसेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे या इस तरह से आप दे सकते हैं जो बड़े पाक साफ हैं, जिनके जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, बड़े डिलाइटफुल टाइप हैं बच्चे, उनको उनके लिए जो क्या क्या करता है स्टूडेंट, मेक हिम ओवरकम हिज ट्रांजिएंट मूड ऑफ डिस्पेयर, है ना, जो उनके लिए टीचर क्या है, टीचर के लिए वो बच्चे क्या हैं, बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि क्योंकि उनके ज़िंदगी में जितना भी परेशानी है उन बच्चों को देख करके वो सब भूल जाता है और उनका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, भले ही उसके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस, ये हमारा हमने रीड किया। अब आपको इसमें ढूंढना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं ना, मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, और उसी के इर्द गिर्द आपको स्टोरी बनानी है, न कि इसी में से ढूंढ के दो चार लाइन। नहीं, मैंने बताया था ना प्रोसेस राइटिंग पूरा ऑल ओवर को आपको एक छोटे सा पॉइंट में आपको क्या उसने उस राइटर ने लिखा है आपको सब चीज़ सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं और उसको बता देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको सजेशन देंगे कि सबसे पहले आप हार्ड वर्ड्स, सेक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एवरीबडी नोज, लेकिन फिर भी इनकल्केट, है ना, डिसेंटली, देन वी हैव इम्बाइड, देन रिजिड, डिसिप्लिन एवरीबडी नोज, देन कल्टिवेट, है ना, बटिंग, वरीज, इनोसेंट, ट्रांजिएंट, डिसअपीयर, है ना, परपेचुअल, इंस्पाइट परपेचुअल, ओके। सो इन सब वर्ड्स का वर्ड चूज आप प्लीज मीनिंग फाइंड आउट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में इसको लिखने की कोशिश करिए। अब अभी मैंने आपको बताया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ना, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप पहले लिख लीजिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला क्या है, ब्यूटी ऑफ टीचिंग, इसका हेडिंग आप लिख सकते हैं ना, ब्यूटी ऑफ टीचिंग, इसकी हेडिंग आप लिख सकते हैं ब्यूटी ऑफ टीचिंग, दिस इज अ हेडिंग, है ना, दिस इज हेडिंग नॉट पॉइंट, दिस इज हेडिंग, है ना। अब इसका क्या है, पहला पॉइंट क्या है, नोबल प्रोफेशन, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, है ना। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यही है कि हमारा टीचिंग क्या है, नोबल प्रोफेशन है। और नेक्स्ट पॉइंट है ना वैल्यू टॉट टू चिल्ड्रन, क्या पढ़ाता है, है ना, क्या 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 करता है बच्चों के लिए, है ना, जो वैल्यूज बच्चों को बताते हैं, है ना, टीचर। थर्ड वन इज व्हाट, आप बहुत ध्यान से देखिए क्या है, नेवर गेट्स ओल्ड विद अलोंग विद द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, है ना, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू गो थ्रू और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना प्रोसेस राइटिंग करना है। मैं इसके बारे में बताऊंगी बट आप इसको पढ़िए, समझिए और इन्हीं तीन पॉइंट्स के आसपास जो है आप अपना पूरा लाइंस आप अपना प्रोसेस राइटिंग करिए, है ना, प्रोसेस लिखिएगा। तो मैं अभी यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस राइटिंग एग्जाम्पल, मैं आपको यही बता रही हूँ और आपको बाकी कोशिश करना है। मैं आपको ये जो है आपका प्रोसेस राइटिंग का जो आंसर है इसका प्रोसेस, वो मैं आपको आपका नोट्स में सेंड करूँगी, उसके थ्रू आप देख लीजिएगा अपना प्रोसेस राइटिंग और मेरे से आप मैच कर लीजिएगा। इट नेवर मीन कि आपका और मेरा ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा लाइन मैच करना चाहिए, बट लाइन्स शुड बी आपका उतना ही होना चाहिए या थोड़ा एक दो वर्ड्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रोसेस राइटिंग में
लाइंस आपके, जैसे 200 मैंने आपको बताया था 50 लाइंस है तो 17 लाइंस होना चाहिए। तो आप इसको कैलकुलेट करके अपना उसी जितना छोटे में आप पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सकें, छोटे से में छोटे पैराग्राफ में आपने पूरे इसका पूरा जो है कहने का मतलब है उसको आपने पूरा उसमें कर दिया, ठीक है, अपने प्रोसेस में पूरा लिख दिया और राइटर को समझ में आ गया कि क्या कहना चाहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस राइटिंग एग्जाम्पल। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो थ्रू मोर अबाउट प्रोसेस और विल गो थ्रू समरी ऑल्सो। ओके, थैंक यू।